चिंगारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है, ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिलें पीछे हम हैं, आगे हमसे सारा जहां, जहां देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, वहीं एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गया। दरअसल मामला जनपद मुजफ्फरनगर का है, जहां एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश पर जिले में एक विशेष अभियान रात्रि में चलाया जाता है। इस अभियान के तहत शाहपुर पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। घंटों हुई पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में पुलिस ने शाहपुर थाने से टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश अमजद पुत्र जुलेदीन निवासी हरसोली और शादाब पुत्र अख्तर निवासी शेरनगर को मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसी मुठभेड़ में बदमाशों की गोली से सिपाही राजीव कुमार व सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह भी घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, दो तमंचे, छह कारतूस बरामद किए हैं। वहीं मुठभेड़ में घायल हुए शाहपुर थाने से टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश अमजद के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा व अन्य राज्यों में भी लूट, हत्या और डकैती के 48 मुकदमे दर्ज है, तो वहीं दूसरे घायल बदमाश शादाब के खिलाफ लूट और हत्या के 8 मुकदमे जनपद मुजफ्फरनगर में दर्ज है। पुलिस ने मुठभेड़ में घायल हुए बदमाशों और पुलिस कर्मियों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भर्ती कराया। अभी कुछ देर पहले हमारे सब इंस्पेक्टर जो चौकी इंचार्ज हरसोली है और चौकी इंचार्ज मीरापुर, यहाँ वाहन चेकिंग कर रहे थे शामली रोड पर, तभी दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल आ रही थी और मुखबिर की पहले से भी इनके पास सूचना थी। दोनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने बदमाशों ने मोटरसाइकिल की इतनी तेज़ टक्कर मारी कि हमारे सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह को भी उन्होंने मोटरसाइकिल से गिरा दिया और उनके हाथ में चोट लग गई। लेकिन हमारे पुलिस वालों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों की घेराबंदी की और बदमाश जो है बाईं तरफ को इस रोड पे जो इधर कहीं गांव की तरफ जाता है जंगल में, इधर को जैसे ही मुड़े और इन्होंने पीछा किया तो मोटरसाइकिल बदमाशों की फिसल गई और उन्होंने उसके बाद पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायर किए, जिसमें हमारा सब इंस्पेक्टर तो पहले ही घायल हुआ ही था, उसके अलावा एक हमारा सिपाही के हाथ में, राजीव के हाथ में गोली लगी और जो मुठभेड़ में दो बदमाशों को गोली लगी है, दोनों घायल हुए हैं। घायल होने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से जो है एक मोटरसाइकिल जो बिल्कुल न्यू ब्रांड है और यामा R5 मोटरसाइकिल है, ये बरामद हुई है। दो तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, खोखे बरामद हुए हैं। सर, किस तरह का ये बदमाश? और इसमें जो अमजद नाम का बदमाश है, वाकई में आज जनपद मुजफ्फरनगर के लिए बहुत बड़ी सफलता है। अमजद पर कम से कम 4 दर्जन मुकदमे हैं और ये इंटरस्टेट बदमाश है। इस पर दिल्ली के और हरियाणा के और इधर उत्तराखंड के भी मुकदमे बताए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी सफलता की बात ये हमारे लिए ये है कि आज ये जो है टॉप 10 अपराधी है। इसके बहुत यहाँ जनता में बहुत ज़्यादा भय व्याप्त है, इससे आसपास के लोग भी जो है घबराते हैं। और ये हमारे थाना स्थानीय क्षेत्र का ग्राम हरसोली का रहने वाला है। ये शाहपुर थाना क्षेत्र में गांव हरसोली पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। गाँव के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, इसकी शिकायतें करते रहते हैं, जब भी ये दिखाई देता है तो फ़ोन करते रहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा बदमाश है वो भी इसका साथी है और उसका नाम शादाब है और वो मुजफ्फरनगर का नई मंडी क्षेत्र का रहने वाला है। उस पर भी दर्जनों मुकदमे हैं। देखिए, ये यहाँ का लोकल बदमाश है और यहीं से हरसोली जो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो इससे लूट, मर्डर और जो अन्य अपराध हैं उस पर काफ़ी रोक लगेगी। और मुझे उम्मीद यह है कि ये इससे बदमाशों में दूसरों में भी भय व्याप्त होगा।
मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में भाकियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी विद्युत दरों को लेकर 25 सितंबर को लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली मूल्य बढ़ाने में शुगर मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान न करने पर भाकियों में जबरदस्त रोष है। बड़ा विद्युत मूल्य वापस न लेने व मिल द्वारा किसानों का भुगतान न करने पर भाकियों के जिलाध्यक्ष ने 25 सितंबर को लखनऊ में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मंगलवार को पानीपत खटीमा राजमार्ग पर भाकियों के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के प्रतिष्ठान पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाकियों के जिलाध्यक्ष धीरज लाठियान ने प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत मूल्य में बढ़ोतरी व मिलों द्वारा गन्ने का भुगतान न करने पर रोष जताते हुए कहा कि गन्ने का पूरा भुगतान न होने पर किसान पहले ही आर्थिक परेशानी झेल रहा है। ऐसे में विद्युत मूल्य में बढ़ोतरी होने से किसानों की परेशानी और बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुना करने का दावा तो पूरा हुआ नहीं, लेकिन प्रदेश सरकार ने किसानों के खर्च अवश्य दोगुना कर दिए हैं। भाकियों के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि विद्युत मूल्य व किसानों के भुगतान को लेकर सोमवार को तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर 14 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश सरकार को भेजा था। फिलहाल धरना बिजनौर में संचालित किया जाएगा। उनकी मांगे न माने जाने पर 25 सितंबर को लखनऊ में प्रदेश स्तर का आंदोलन किया जाएगा। संगठन के नगर अध्यक्ष महका सिंह, रेशु गोयल, ओम प्रकाश शर्मा, हरेंद्र चौधरी, आलोक गोयल, कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। सरकार को ज्ञापन देकर चेताया है कि या तो आप जो है इसमें जो वृद्धि की है किसानों की, इसको वापस लो, नहीं तो फिर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन करेगा। और भारतीय किसान यूनियन के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता भी नहीं, कोई पावर नहीं है। बिजली के रेट घटाते हैं, लेकिन जनता की आवाज़ को जिस तरह से दबाया जा रहा है उसको हम दबने नहीं देंगे और मजबूती के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाओगे। और जनपद के हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष धीरज लाठियान लेके पूरे प्रदेश में कल तहसील पर आंदोलन था, लेकिन बिजनौर में जो है जिला मुख्यालय पर बहुत बड़ा आंदोलन था। और आज भी हमारे वहाँ पर 2-3 हज़ार आदमी रुके हुए हैं और कल 10 हज़ार से ज़्यादा लोग थे। तो पूरे प्रदेश का जो मामला है, ये निर्णय हुआ कि अभी बिजनौर से ही लड़ाई लड़ी जाएगी। और सरकार अगर नहीं चेती तो 25 तारीख में हम लखनऊ के गन्ना संस्थान में बहुत बड़ा प्रदर्शन, बिजली मूल्य वृद्धि और गन्ना भुगतान और जो भी तमाम किसान के मसले हैं, नया मोटर व्हीकल है, इन सब मसलों को लेकर 25 तारीख में बड़ा प्रदर्शन लखनऊ में करेंगे। चलवाने का मामला है, मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव हैबतपुर के जंगलों में लावारिस ई रिक्शा मिली, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव हैबतपुर के जंगल में लावारिस हालत में ई रिक्शा मिली। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया कि कल शाम ई रिक्शा के साथ देखे गए 3 संदिग्ध युवक थे। वहीं मौके पर पहुंची चरथावल थाना पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के हैबतपुर गांव के जंगल का है, जहां जंगल में एक लावारिस ई रिक्शा खड़ी मिली, जिसकी सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर देदेडू चौकी इंचार्ज राजकुमार ने मामले की छानबीन की। ई रिक्शा का सभी कीमती सामान गायब है। वहीं ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम 2 ई रिक्शाओं के साथ 3 संदिग्ध युवक देखे गए थे। पुलिस की माने तो फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही मामले का पटाक्षेप कर दिया जाएगा। एक निकल सर, 2 थी रिक्शा, उसमें 3 आदमी अज्ञात थे और उसमें से जो चुने जांच कराई गई, उसी एक रिक्शा के सारे पार्ट्स निकाले गए, उसका कुछ लगा पता नहीं लग पाया। और जो पुलिस गई उन्होंने भी इसकी जांच की, उसमें रिक्शा में जो कीमती बैटरा वगैरह और जो कीमती सामान होते थे वे गायब पाए गए, लेकिन उन अज्ञात आदमियों का हमें गाँव वासियों को पता नहीं चल पाया। तो क्या लगता है कि चोरी की रिक्शा थी? नहीं, जैसा आजकल माहौल बन रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन 3 आज जो अज्ञात आदमी देखे गए उनसे भय गांव में व्याप्त है। इस टाइम उन्हें देखा जा रहा है, ये 3 आदमी अनजान थे या गांव आसपास के पड़ोस की रिक्शा थी, उसका कुछ जानकारी नहीं होगा।
शामली के कैराना विधायक नाहिद हसन की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कैराना विधायक नाहिद हसन एसडीएम व सीओ कैराना से बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शामली जनपद के कैराना विधायक नाहिद हसन की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में सपा विधायक नाहिद हसन व एसडीएम कैराना और सीओ कैराना से बहस करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विधायक नाहिद हसन क्षेत्र में अपनी गाड़ी में सवार होकर भ्रमण के लिए निकले थे। उसी बीच एसडीएम कैराना अमित पाल शर्मा व सीओ राजेश कुमार तिवारी रूटीन चेकिंग कर रहे थे। उसी बीच विधायक नाहिद हसन भी वहां पर पहुंच गए और विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने रुकवा लिया। जब एसडीएम कैराना ने विधायक जी को कार में डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा तो विधायक जी तैश में आ गए और कार से उतरकर बहसबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर दोनों के बीच काफी नोकझोंक हुई और विधायक देखते ही देखते एसडीएम कैराना से बस्तोली के पर उतर आए और अपना आपा खो बैठे। विधायक की हनक का यह वीडियो पास में खड़े लोगों ने अपने फोन में उतार लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आरोप है कि मौके पर सपा विधायक नाहिद हसन कार के डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके, जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख एसडीएम अमित पाल शर्मा ने 12 घंटे के भीतर थाने में डॉक्यूमेंट दिखाने के आदेश दिए हैं। सपा विधायक नाहिद हसन का यह पहला कोई वाक्य नहीं है। इससे पहले भी नाहिद हसन अपने विवादित वीडियो व दबंगई के चलते विवादों में रह चुके हैं। फिलहाल एसडीएम कैराना ने जांच रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारी को सौंप दी है, जिसके बाद ही विधायक पर एक्शन लिया जाएगा। हालांकि विधायक का तर्क है कि वह अपने खेत पर अमरूद के बाग में टहलने के लिए आ रहा था। खेत पर खड़ी गाड़ी को सीओ व एसडीएम कैराना ने देख लिया और आगे से मुड़कर पीछे आए और फिर कागज दिखाने के नाम पर जबरन बदतमीजी की, लेकिन वीडियो विधायक की दबंगई को बयां करने के लिए काफी है। जनपद ललितपुर के मंडावरा में जल झुलनी एकादशी के अवसर पर जल विहार का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर के कस्बा मंडावरा में भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी को जल विहार का पर्व ललितपुर जनपद के मंडावरा कस्बे में परंपरागत रूप से मनाया गया। जल झुलनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध इस त्योहार को कस्बे समेत गाँव रनगांव के विभिन्न मंदिरों से देव प्रतिमाओं को सुंदर तथा सुसज्जित विमानों में विराजमान कर स्थानीय तालाब में जल विहार कराया गया। इस दौरान शालाजी मंदिर, पठान जी मंदिर, हनुमान जी मंदिर, साहूवाला मोहल्ला, रावतपुरा उदयनिया मंदिर तथा रनगांव मंदिर से श्रीजी विमानों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भजन कीर्तन समेत परंपरागत बुंदेली शहर की भी प्रस्तुति शोभा यात्रा में चार चांद लगाती नजर आई। विमान आगमन पर ग्रामीण द्वारा पूरे नगर में उनकी मंगल आरती की गई। इस दौरान तमाम ग्रामीण जन एवं शांति सुरक्षा हेतु प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह महफोर्स के मौजूद रहे। जल झूलने एकादशी का एक नाम और परिवर्तनीय एकादशी है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी को शयन करते हैं और देवोत्थानी एकादशी को जागते हैं। इसके बीच में आज जो परिवर्तनीय एकादशी, इसमें भगवान करवट बदलते हैं अपने स्थान पर, तो करवट बदलने के लिए इस कारण से इसका नाम परिवर्तनीय एकादशी भी है। और इसी के संदर्भ में आज भगवान को मंदिर से विमानों के द्वारा जलाशय पर या नदियों पर ले जा करके उनका स्नान कराया जाता है और पूजन अभिषेक वगैरह होता है, आरती होती है। इसी उपलक्ष में ये जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो आज जो जल झूलनी एकादशी है तो इसमें शुभ काम वर्जित जो माने गए हैं तो क्या? नहीं, वर्जना खत्म नहीं होती। वर्जना तो देवोत्थानी एकादशी के बाद होती है, लेकिन जो सामान्य कार्य है वो होते रहते हैं, विवाह शादी वगैरह। तो ये देवोत्थानी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी जो होती है उसके बाद ही प्रारंभ होते हैं। बाकी और जो सामान्य क्रियाकलाप हैं, सामान्य पूजन वगैरह हैं, ये चलते रहते हैं। जनपद ललितपुर के मडावरा तहसील में क्षेत्र के किसानों ने बड़ी बिजली दरों सहित अन्य समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जनपद ललितपुर के तहसील मंडावरा से क्षेत्र के किसानों को हो रही असुविधा के लिए किसान यूनियन ने प्रदर्शन कर नवागंतुक उपजिलाधिकारी कृष्ण कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बिजली की दरों में की गई बेतहाशा वृद्धि, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान, मोटरयान अधिनियम के जुर्माने में की गई वृद्धि को वापस लेने समेत ललितपुर जनपद में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि के
चलते बर्बाद हुई उड़द की फसल के नुकसान का सर्वे कराते हुए फसल बीमा का क्लेम दिए जाने की मांग करते हुए सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष धन सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मंडावरा कृष्ण कुमार सिंह को सौंपा गया। इस दौरान किसान नेता ने मांग रखी कि बढ़ती महंगाई के दौर में किसानों की उपज का कोई निश्चित दाम नहीं है, जबकि शासन द्वारा तरह तरह के टैक्स और जुर्माने लगाकर उत्पीड़न किया जा रहा है। फिर वो मांगे ये है कि जो बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं उनको वापस लिए या तुरंत, दूसरी बात गन्ना के जो रेट है उसको बढ़ाया जाए, तीसरी ये पुलिस अत्याचार कर रही है किसानों पे हेलमेट के बहाने के उनकी के बहाने उसको, अगर आप जुर्माना कर रहे हैं हेलमेट का तो हेलमेट दिया जाए, अगर आप बीमा का जुर्माना कर रहे हैं तो जुर्माना में बीमा की रसीद दिया जाए। और दूसरी ओर की फसल चौपट हो गई, किसान बहुत परेशान है इससे। शामली के कैराना में 3 दिन से लापता युवक की बरामदगी की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा गया, जहां पुलिस ने जल्द ही युवक की बरामदगी का परिजनों को आश्वासन दिया। मंगलवार के दोपहर कैराना कोतवाली परिसर में कुछ महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार कैराना के दरबार खुर्द सुंदरनगर निवासी जाकिर पुत्र हाशिम पिछले 3 वर्षों से लापता है, जो चिनाई के ठेके लेने का कार्य करता है, जिसकी बरामदगी को लेकर उसके परिजनों ने कैराना कोतवाली पर हंगामा करते हुए बरामदगी की मांग की। परिजनों ने बताया कि उसके दोस्त के साथ वह कार्य करता था, उसे 3 दिन पहले पुलिस को सौंप दिया गया था, लेकिन अब तक उसके पति की बरामदगी पुलिस नहीं कर पाई है। उसके पति ने बच्चों सहित आत्महत्या करने की चेतावनी दी है और अपने पति की बरामदगी की मांग की, जिसको लेकर कोतवाली पर काफी हंगामा हुआ। पुलिस ने लापता युवक के परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द ही बरामदगी कर युवक को उनके सुपुर्द कर दिया जाएगा। मेरे आदमी परसों 8 बजे तक और ये हमने रपट कर दी, इन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी, मारे आदमी की कुछ नहीं, खैर खबर दी, मेरे आदमी परसों तक गायब है, 4 मेरे बच्चे हैं और मैं किराए के मकानों में हूँ, मेरे नु बताओ मुझे मेरे बच्चों को या मुझे कौन देगा, मुझे कौन घर देगा। क्या नाम था? काम में काम करा छपरली के लगा है, पुलिस को तेरी नहीं दी, कुछ नहीं करवाया उसके मुंह से, कुछ नहीं करवाया इन्होंने अभी तक का। 3 दिन आदमी मुझे साझ रो का यहाँ चाहिए, खुरा भी नहीं आनी चाहिए, बस इतनी मुझे चाहिए। बागपत के गांव असारा स्थित मुस्लिम इंटर कॉलेज में बेरहम शिक्षक की करतूत का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया, जिसमें शिक्षक छात्रों से उठक बैठक व छात्रों को लात व डंडों से पीटता हुआ नजर आ रहा है। बागपत जिले में एक शिक्षक की बेरहमी का मामला सामने आया है, जहां बेरहम शिक्षक ने एक छात्र को उठक बैठक ठीक से नहीं करने पर प्ले ग्राउंड में ही सजा देते हुए डंडों और लात घूसों से बेरहमी से पीट डाला, जिसका वीडियो किसी छात्र ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। दरअसल मामला थाना रमाला क्षेत्र के असारा गांव में स्थित मुस्लिम इंटर कॉलेज का है, जहां शिक्षक अनस खान ने 8वीं कक्षा के बच्चों को सजा देते हुए पहले तो दर्जनों बच्चों को तपती गर्मी में उठक बैठक लगवाते हुए मेंढक की चाल चलवाया और उसके बाद एक छात्र को किसी वजह से उठक बैठक नहीं कर सका तो उसकी बेरहम शिक्षक ने जानवरों की तरह पिटाई की। उस छात्र को लात मारी गई और उसके बाद उसे लाठी डंडों से पीटा गया, जिसका ये शर्मनाक वीडियो किसी छात्र ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के पास मामला पहुंचने पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं DIOS ने मामले में चुप्पी साधी हुई है। अब ऐसे में सवाल होता है कि आखिर ऐसे जल्लाद और बेरहम शिक्षक पर क्या और कब तक कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिवार वालों का कहना है कि छात्र टीचर की पिटाई से सदमे में है। ये एक घटनाक्रम अभी संज्ञान में आया है, जिसमें एक बच्चा है साहिल, 15 वर्ष का साहिल पुत्र नूरा, रमाला थाने के अंतर्गत एक असारा इंटर कॉलेज है, जिसमें कुछ मारपीट की घटना हुई थी। वहाँ जो PTI है, वहाँ के जो टीचर हैं मोहम्मद अनस, उन्होंने साहिल के साथ और बाकी बच्चों के साथ मारपीट की थी। उस संबंध में साहिल ने अभी थाने पर आकर के सूचना दी है
कि उसने एक पैंट पहनी हुई थी, रेडीमेड पैंट पहनी हुई थी, जिसको लेकर के नाराज़ होकर के मोहम्मद अरस ने उसके साथ मारपीट की और बाकी बच्चों को भी दंडित किया है। इस संबंध में उसके द्वारा कंप्लेंट दी जा रही है, उस कंप्लेंट में जो भी कार्रवाई बनती है वैधानिक कार्रवाई वो करवाई जा रही है। जनपद बागपत में दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग को बुझाकर अजले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दहेज लोभी ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या कर शव को जला दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह आग को बुझाकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार मृतका की शादी 5 साल पहले पाली निवासी टिंकल से लव मैरिज हुई थी। आरोप है कि ससुराल ये विवाहिता पर लगातार अतिरिक्त दहेज का दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, विवाहिता पर शराब बेचने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था। दहेज की मांग पूरी न होने व शराब बेचने से मना करने पर रात्रि में ससुरालियों ने विवाहिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को यमुना खादर पर ले जाकर जला दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पहुंची कोतवाली पुलिस ने किसी तरह आग को बुझाया और अजले शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। सानुमा डॉटर ऑफ मेहताब, उम्र लगभग 17 वर्ष है, मोहल्ला केतुपुरा लक्ष्मण चौक की ये रहने वाले हैं और वहाँ इस लड़की ने छत वाले पंखे से लटक करके आत्महत्या की है। इसमें पुलिस मौके पर पहुँची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कारण तभी स्पष्ट होगा, अभी इसमें जांच की जा रही है। सर, क्यों हत्या की लड़की ने? अभी इसका छानबीन की जा रही है, इसमें जाँच की जा रही है, जो रिजल्ट सामने आएगा तो बता दिया जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में शिया सोगवारों द्वारा तिरंगे झंडे के साथ मुहर्रम का मातमी जुलूस निकालते हुए हजरत इमाम हुसैन को याद किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में शिया समाज अंजुमन फौजे हुसैनी की द्वारा मुहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया। आपको बता दें कि ये मातमी जुलूस उर्दू कैलेंडर के मुहर्रम महीने की 10 तारीख को निकाला जाता है। जुलूस इमाम बाड़ा स्थित बारगाह से शुरू हुआ, बाजार कलाब व तकिया वाली मस्जिद से होते हुए करबला पहुँचा। इसके पहले शिव चौक पर शिया सोगवारों ने हजरत इमाम हुसैन को याद करते हुए घंटों खूनी मातम करते हुए अपने आप को लहूलुहान किया। सोगवार जंजीर धारदार हथियारों ब्लेडों से मातम कर रहे थे। बता दी कि खूनी मातम को देखकर लोगों की हलक सूख गए। जुलूस के दौरान करबला में ताजिए भी दफन किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से चरथावल थाना प्रभारी ने सूबे सिंह व चरथावल कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। हिंदुस्तान में हर कहीं जहाँ पर भी दुनिया में कोई जुल्म हो रहा है, किसी को जुल्म हो रहा है, तो हम इमाम हुसैन के जरिए बताना चाहते हैं कि हुसैन के चाहने वाले हर जगह मौजूद हैं, हुसैन के चाहने वाले हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। इमाम हुसैन करबला के मैदान में सिर्फ इसलिए नहीं आए थे कि उनको इस्लाम पहुँचाना है, बल्कि इसलिए आए थे ताकि वो इंसानियत पहुँचा सके। आज दुनिया के अंदर जो कोई भी जुल्म कर रहा है, किसी भी शक्ल में जुल्म कर रहा है, इमाम हुसैन का नारा लगाकर हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़े रहेंगे। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। थाना भवन क्षेत्र अधिकारी के निर्देशानुसार नगर पंचायत थाना भवन में प्रत्येक रविवार को ऐच्छिक ब्यूरो लगाया जाता है, जहां परिवारों में आपसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा फसाद हो जाता है। ऐसे परिवारों को ऐच्छिक ब्यूरो टीम थाना भवन अपने कुशल प्रयास से फैसला कराने का प्रयास करती है। टीम की कोशिश यही रहती है कि हर संभव प्रयास से पिछड़े परिवारों का फैसला हो जाए। थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो में 18 फाइल आई थी, जिनमें टीम के सफल प्रयास से 3 परिवारों का फैसला कराया गया और 15 फाइल पर फाइनल सुनवाई चल रही है। जिन परिवारों के फैसले हुए, भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की अनबन ना हो। थाना भवन ऐच्छिक ब्यूरो टीम सदस्य डॉक्टर तौहीद हसन, राजीव गोयल, कीर्ति अग्रवाल, फरजन अली आदि पूरी टीम अपने टाइम से नगर पंचायत थाना भवन में उपस्थित रही। हमारे ऐच्छिक ब्यूरो में अभी समय 18 फाइलों पर सुनवाई चल रही है, जिनमें से आज हमारी टीम के कुशल प्रयास से
एक परिवार को मिलाया गया है और बाकी जो 17 फाइलें हैं इनकी भी पूरी उम्मीद की जा रही है इन्हें भी सब कुशल मिला दिया जाएगा। ये फैसले एक मुंडेट का है और दूसरा फैसला पक्की घड़ी से एक लड़की है, इन दोनों परिवारों का फैसला हो चुका है। भारत सरकार द्वारा रोड सेफ्टी बिल को संशोधित किए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के ट्रांसपोर्टर एक दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम 11 सितंबर को करेंगे। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड मैक्सी टैक्सी महासंघ के संरक्षक संजय चोपड़ा ने कहा कि रोड सेफ्टी एक्ट को उत्तराखंड राज्य में क्रियान्वित करने से पहले सभी ट्रांसपोर्टरों को साथ लेकर रूल बाय स्कीम राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत बनाई जाए और एक्ट के जुर्माने के प्रावधान पर पुनर्विचार किया जाए। अभी आज जो हमने पीसी बुलाई है ये उत्तराखंड भारत सरकार ने जो नया रोड सेफ्टी बिल तैयार किया है हम लागू किया पूरे भारत में, हम उसी के खिलाफ उत्तराखंड में यहाँ पर अपना जो आंदोलन करने जा रहे हैं क्योंकि ये एक आम नागरिक के ऊपर अवैध तरीके से जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है 10% 100 रुपये का 10 गुना कर दिया, 50 रुपये का 10 गुना कर दिया, वो गलत है बिल्कुल। ये आम जनता के ऊपर बिना मतलब का बोझ पड़ रहा है। इससे पहले हम दुनिया भर का टैक्स दे रहे हैं सरकार को, 80% टैक्स देते हैं अपनी कमाई का, उसके बाद सरकार ने जो नियम लागू किया हम कम से कम हमारी राय तो लेनी चाहिए थी। हमारे संगठन बड़े बड़े संगठन हैं, हमारे संगठन के एक दो आदमी अपनी मीटिंग में तो बुलाते हैं, किसी की राय लेनी चाहिए थी। इतना 10-10 गुना सब लेगा, आपने 50 गुना तक वृद्धि की है जुर्माना राशि, इसका हम घोर विरोध करेंगे। और हमारी कल परिवहन सचिव जी से मुलाकात थी, उन्होंने हमारी वार्ता विफल हो चुकी है इसलिए हमने कल चक्का जाम की घोषणा की है। इसके बाद अगर हमारी फिर भी मांग नहीं मानती सरकार तो 19 तारीख से ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर भारत में चक्का जाम किया जाएगा। कल हमारे कॉमर्शियल वाहन टैक्सी मैक्सी ऑटो यूनियन ये बस ट्रक सभी हमारे संगठन हमारे साथ है, सभी पीड़ित हैं। तो आप लोग सरकार के इस एक्ट के खिलाफ हैं? जी सरकार के इस एक्ट के खिलाफ हैं। स्कूल बस और एम्बुलेंस नहीं, स्कूल बस देखिए जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा जो ये रोड सेफ्टी बिल लेके आया गया है, मैं समझता हूँ राज्य सरकार को इसको क्रियान्वयन करने से पहले जो है रूल और स्कीम जो है वो मैं समझता हूँ कि इन तमाम ट्रांसपोर्टरों को आमंत्रित करके, चाहे वो आप आपातकाल में ST की मीटिंग बुलाते और चाहे आप इनको डायरेक्ट बिठाते, मैं समझता हूँ छोटे से बड़ा जो व्हीकल चला रहा है, जो कमर्शियल वाहन चला रहा है, चाहे वो बेचारा ई रिक्शा वाला है, चाहे टेम्पू वाला है, चाहे विक्रम वाला है, चाहे हमारे मैक्सी टैक्सी गाड़ियाँ हैं, चाहे जीप हैं, सब लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार को इस पर जो है दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और रूल और स्कीम जब आप बनाएं इनको कॉन्फिडेंस में लेकर बनाएं ताकि ये राज्य के अंदर क्रियान्वयन हो सके। क्योंकि आने वाली बंगाली सीजन है, मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अभी चारधाम यात्रा का दूसरा काल यात्रा का शुरू होने जा रहा है और अभी यात्री को मैं क्या संदेश जाएगा, तो इस प्रकार का संदेश पूरे राज्य के अंदर प्रभाव डालेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कल हम लोगों ने सांकेतिक रूप से अपना आह्वान किया है और क्योंकि हम पूरे राज्य के अंदर संगठित हैं, हर क्षेत्र के अंदर हमारी ट्रांसपोर्टें काम कर रही हैं। वैसे भी आपने जो है ओला उबर लाकर जो है आपने वैसे ही हमारा काम खत्म कर दिया, अब आप कौन सी नई स्कीम लाकर जो है इनका काम खत्म करना चाह रहे हैं। जब से ओला उबर आई हैं मैं समझता हूँ हमारी यूनियनें जो हैं पर्ची तक नहीं काट पा रही, हमारी यूनियनें कोई गाड़ी चलने को तैयार नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो कुठाराघात है उसको न्याय संगत रूप से इसको वापस लिया जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए। यूपी के जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा छपार में जमियत यूथ क्लब के द्वारा समस्त जनपद में चलाए जा रहे भारत स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर में मदरसे में 5 दिवसीय स्काउट गाइड सोपान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्काउट के साथ जमियत यूथ क्लब के कन्वीनर ने झंडा फहराकर प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जमियत यूथ क्लब एवं भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में आपदाओं के संबंध में होने वाले बचाव व राहत कार्यों की जानकारी दी। मंगलवार को छपार के छपरा रोड पर स्थित मदरसा दारुल उलूम पर जमियत यूथ क्लब व भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय स्काउट गाइड सोपान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में अनेकों गाँव से आए स्काउट गाइड रोवर ने हिस्सा लिया। फिलहाल हमारे जिला स्तर पर पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर भारत स्काउट एंड गाइड
के जरिए से कैंप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये संस्था है जमीयत यूथ क्लब, हमारी जमीयत उलमा हिंद 100 साल पुरानी तंजीम है, जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने पूरे मुल्क के अंदर मुल्क की खिदमत की है। हर जगह पर जहाँ भी मुल्क को ज़रूरत पड़ी, जमीयत यूथ क्लब से वाबस्ता नौजवान और हमारे उलमा इकराम हर जगह पर गए। खिदमत का मौका हो, कहीं सैलाब आया हो, जलजला आया हो, जिस हाल में भी मुल्क को ज़रूरत पड़ती है, जमीयत यूथ क्लब और जमीयत उलमा हिंद जो है मिल करके काम करते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कुछ ऐसे नौजवानों की जो हर वक्त तैयार रहें, मुल्क के ऊपर किसी भी तरह के हालात आए, कोई जलजला की शक्ल आए, सैलाब की शक्ल आए, या गांव दर गांव कहीं पर जो है सफाई की ज़रूरत हो, या किसी भी तरह से जो है हमें नौजवानों की ज़रूरत है। इन नौजवानों के ज़रिए से जो हम भारत स्काउट एंड गाइड के ज़रिए से तैयार करते हैं, हम इनके ज़रिए से मुल्क की खिदमत करते हैं। तो उसी के सिलसिले में आपके ज़िला मुजफ्फरनगर का जो एक गाँव है छपार, उसमें दारुल उलूम छपार के नाम से मदरसा है, उसमें ये कैंप लगाया जा रहा है। ये 5 दिन का कैंप है जिसमें ज़िला स्तर पर लड़के शामिल हैं और ये इंशाल्लाह 5 दिन तक चलेगा। मुलज़ाब जमायतुल उलमा हिंद को जमायत यूथ क्लब बनाने की और स्काउट गाइड को साथ लेके क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या मिशन है? मिशन यही है कि हमें हर वक्त ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो मुल्क की खिदमत करते रहें। हर वक्त कहीं पे जो है सफाई मुहिम चलानी है, या इसी तरह से जो है कहीं हमें प्यासों को पानी पिलाना है, या दीगर ज़रूरियात हमें पेश आती है, मुल्क के हालात आते हैं, कभी मुल्क के अंदर किसी एक इलाके में जलजला आ जाता है, सैलाब आ जाता है, तो हमें नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है ऐसे जगहों पे। ऐसे कैंप लगाने से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारा संदेश यही है कि पूरे मुल्क के अंदर जो भी नौजवान है वो हर वक्त जो है खिदमत के लिए तैयार रहे, अपने मुल्क की खिदमत के लिए हर वक्त हर जगह। जी, आपसे भाईचारा हो, आपसे भाईचारे के जितने भी काम हो उनमें जो है ये नौजवान हिस्सा लें। लक्सर क्षेत्र के खड़ंजा कुतुबपुर मदरसा जामिया मदीना तुल उलूम बस स्टैंड पर मुहर्रम को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के मौजूद लोगों ने भाग लिया। इस मीटिंग में कोतवाली से पुलिस प्रशासन व एसएसआई मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने जनता से भाईचारा कायम रखने को कहा और ऐसे लोगों को चिन्हित रखने को कहा जो लड़ाई झगड़ा करते हों और माहौल खराब करने की कोशिश करते हों। और उन्होंने इसी के साथ लोगों से कहा कि हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलजुल कर त्योहारों को मनाएं, इसलिए आप सभी लोगों से अपील की जाती है कि किसी भी किस्म की लड़ाई दंगा ना होने दे। और उन्होंने मीटिंग में बोलते हुए कहा कि भारत सरकार ने नया कानून निकाल दिया है जिसमें अपने बच्चों को बाइक ना दे और बालिक जब गाड़ी चलाएं तो उनके पास सबसे पहले हेलमेट और गाड़ी के कागजात जरूर होने चाहिए और पैर में जूते अवश्य हों। इसके संबंध में हम मेरे द्वारा खड़ंजा कुतुबपुर में मीटिंग ली गई और इन्हें जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, कैसे कैसे ताजिए निकालने हैं और कैसे कैसे कितने बजे से जुलूस चलेगा और क्या क्या हमें जो है सचेत रहना है, किन किन चीज़ों के क्या टाइम बताया सर उसका ताजिए का? इन्होंने बताया है शाम को 7 बजे से स्टार्ट होगा और मेरे ख्याल से 12:30 एक बजे तक खत्म हो जाएगा, पर्याप्त फोर्स दिया जाए। लक्सर ब्लॉक के न्याय पंचायत डूंगरपुर से ग्राम प्रधान के खिलाफ गांव के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर तहसील मुख्यालय पहुंचे और उप जिलाधिकारी पूरण सिंह राणा को शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव के अंदर ना तो लाइट है और ना ही शौचालय बनवाए गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कड़ी आपत्ति जताई। 2 दिन पूर्व गाँव में उप जिलाधिकारी के सौजन्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा कैंप लगाया गया था जिसमें ग्रामीणों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें प्रधान के शोरगुल व मारपीट को लेकर ग्रामीणों ने शिविर के अंदर शिकायत करने को लेकर बायकॉट कर दिया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी और गांव वालों का कहना है कि उप जिलाधिकारी ने हमारी बात तक नहीं सुनी, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश उत्पन्न है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने 7 तारीख को शिविर भी लगाया था गांव में, जिसमें समस्त अधिकारी जिसमें कि समाज कल्याण से थे, ब्लॉक से थे, तहसील से थे और सौजल से थे, बट जो चीज़ें कुछ लोगों के द्वारा जिन लोगों के द्वारा वहाँ पर प्रॉपर ऑपरेशन वगैरह मूव की गई उनके प्राप्त पत्रों पर कार्रवाई की गई। कुछ लोग जैसे कि एक चीज़ ये भी आ रही है कि जो आपस में गाँव में कुटवाली लहरी बनी हुई है, कुछ लोगों के द्वारा जो प्रार्थना पत्र वहाँ पर जब शिविर में आके लोगों के द्वारा नहीं दिए गए तो उसमें कार्रवाई किया जाना संभव नहीं था। तो सभी लोगों को आज उनकी वार्ता की गई है, उनको सुना गया है, उनसे कहा गया भाई आपकी जो जो ऑपरेशन है, जो जो प्रॉब्लम्स है, जिनके टॉयलेट्स नहीं बने हैं, पेंशन नहीं है, तो उसको आप अप्लाई करिए,
और उनमें से कुछ लोगों के द्वारा दिए भी गए हैं या तो उनके द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से एक अनाउंसमेंट का मूवमेंट करना ठीक नहीं है। जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, उसको आप प्रॉपर तरीके से रखिए, एक राइटिंग में दीजिए ताकि उसका प्रॉपर निस्तारण किया जा सके। सर एक पुलिस अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है और ड्राइवर साहब कार्रवाई है। सोमवार को शिवसेना मुजफ्फरनगर की एक आवश्यक बैठक महामाई मंदिर रामलीला टीला रोड पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश उप प्रमुख प्रमोद अग्रवाल व संचालन प्रदेश महासचिव राजकुमार डहरिया ने किया। सभा को संबोधित करते हुए डहरिया ने कहा कि आज हमें पूरे पश्चिम में सदस्यता अभियान चलाकर नए शिव सैनिक बनाने हैं, जो प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह का आह्वान है। सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद अग्रवाल ने कहा कि ठाकुर अनिल सिंह प्रदेश प्रमुख व धर्मेंद्र तोमर पश्चिम प्रभारी हैं। पश्चिम प्रदेश प्रमुख का कोई भी पद शिवसेना में नहीं है। जिला मुजफ्फरनगर में ठाकुर अनिल सिंह द्वारा बिट्टू सिखेड़ा को जिला प्रमुख घोषित किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि आज हमारे शिव सैनिकों को जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो उसे बखूबी निभाएंगे। सभा में सर्वसम्मति से नितेश शर्मा उर्फ बंटी को नगर अध्यक्ष व गौरव सिंह आजाद को नई मंडी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे सभा में घोषणा की गई कि जल्द ही जिले के अंदर एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह व पश्चिमी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर को आमंत्रित किया जाएगा। ये आज ऊपर से हमको एक निर्देश हुआ है, माननीय ठाकुर अनिल सिंह जो प्रदेश प्रमुख है उत्तर प्रदेश के और धर्मेंद्र तोमर जो पश्चिम के प्रभारी है, उन्होंने हमको नियुक्ति पत्र दिया है जिला मुजफ्फरनगर का जिला प्रमुख का। उसी के उपलक्ष्य में आज ये महामाई मंदिर में सबसे सर्वप्रथम यहाँ पे बैठक की है। इस बैठक में हमारा सहयोग हमारे बंटी भाई, हमारे बड़े भाई राजकुमार ढारिया जी, हमारे नवीन कश्यप जी, हमारे बड़े भाई प्रमोद अग्रवाल जी और भाई गौरव जी, गौरव सिंह आजाद जी और जितने भी हमारे मोना जैन जी, जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, सबके सहयोग से इस शिवसेना को जो पहली शिवसेना थी ढारिया जी के टाइम में थी, उसी शिवसेना की तरफ पे आगे बढ़ाना था। अभी अगर भी अपना दावा लेटर दिखाओ, पत्र दिखाओ, आपको नियुक्ति पत्र दिखाओ, कोई नहीं है, उनसे आप लेटर मांगो, ये हमारे पे केस करो। और बहुत ही जल्दी एक बड़ा जिले लेवल पे यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। मुहर्रम की 10वीं तारीख को सच्चाई व हक की राह पर चलते हुए हजरत इमाम हुसैन की याद में खानदान के 72 शहीदों की खुदा की राह में कुर्बानी देते हुए शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में सोमवार गम व मातम करते हुए जासठ मोहल्ला जुमा से बुद्ध कटरा बंगल मोती महल मोहल्ला गंज से होते हुए करबला की ओर जाते हुए मातमी जुलूस निकाले गए। वही सोमवार में मोहम्मद नवाज पुत्र मुनव्वर हुसैन निवासी कस्बा जासठ को उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया। वही गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हरिद्वार में देवपुरा तिराह स्थित पंत पार्क में जिलाधिकारी दीपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत का जन्म दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट जगदीश लाल, मुख्य नगर आयुक्त उदय सिंह राणा, शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, समाज सेविका बीना कपूर सहित नगर निगम के कार्मिक उपस्थित रहे। नगर निगम के ओर से पार्क को स्वच्छ और सुसज्जित किया गया। स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में जिलाधिकारी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की प्रतिमा पर श्रद्धा पूर्वक माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित की। अधिकारियों तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा भी पंडित पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हिमालय प्रेमी गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर जिलाधिकारी ने पंत जी के जीवन वृतांत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने पंत जी के जीवन से जुड़े किस्से विस्तार से सभी के साथ साझा किए। इसके पश्चात जिलाधिकारी कार्यालय रोशनाबाद में स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की गई। पंत जयंती के अवसर पर व्याख्यानमाला कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। देवभूमि सिविल सोसाइटी द्वारा उत्तराखंड में चलाए जा रहे शराब की फैक्ट्रियों के विरोध में आज क्रमिक अनशन 90वें दिन भी जारी रहा। आज के क्रमिक अनशन के चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति रजिस्टर ने अनशन किया और समिति के केंद्रीय अध्यक्ष JP पांडे एवं समिति के अचिन्हित
महिला प्रकोष्ठ की केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सरिता पुरोहित के नेतृत्व में चंद्रवती गौड धर्मपाल, भारती कमला पांडे, महेश कुमार, जगमोहन सिंह नेगी, हिमांशु जोशी, हेमराज सैनी दिनेश जोशी, हेमराज सैनी दिनेश धीमान, केशव देव आदि ने समर्थन में धरना दिया। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।